आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 और 13 सितंबर को गुजरात के दौरे पर रहेगी इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान वे कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होगी विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू की परियोजना का उद्घाटन करने और विधानसभा में भाषण देने के लिए निमंत्रण दिया है बुधवार को पंद्रहवीं गुजरात विधानसभा शुरू होगी तो राष्ट्रपति मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेगी साथ ही तेरह सितम्बर को गुजरात की ई असेंबली लॉन्च की जाएगी इसके अलावा वे आयुष्मान भव एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पंद्रहवीं गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र तेरह सितंबर को दोपहर बारह बजे बुलाया है यह सत्र तीन दिनों का छोटा सत्र होगा गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र में दो विधेयक पेश किए जाएंगे इसमें एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल और एक कॉमन यूनिवर्सिटी बिल शामिल है विधान एप्लीकेशन के लोकार्पण के बाद सदन की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी इसके लिए सदन की सभी सीटों पर टैबलेट भी लगाए गए हैं सदन में अब विधायक कागज पेन नहीं बल्कि टैबलेट से सवाल जवाब कर अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे टैबलेट में सभी जगह का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा इसके लागू होने के साथ ही सदन पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है इसमें प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है केंद्र सरकार इस साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके अंतिम छोर तक के लोगों और हर लाभार्थी तक सरकार की चलाई जा रही सभी स्वास्थ्य योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके इसी बने राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद